इधर देखो, मैंने खोला अपना मेल और सर्च किया CVL KRA। आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे बहुत सारे मेल आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी जागरूक जनता ने पूछा है कहीं ये एक बड़ा स्कैम तो नहीं। चलो बताता हूँ। 6th of April 2022 RBI का सर्कुलर पॉइंट नंबर 11। क्लाइंट जिनके KYC रिकॉर्ड्स KRA के पास वैलिडेटेड नहीं होंगे, वो सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्लाइंट्स मतलब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। KYC मतलब आधार, पैन, ईमेल और फोन नंबर, और KRA मतलब KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी। ऐसी 6 एजेंसी है जिन्हें SEBI ने KYC करने का काम सौंपा है। उनमें से एक है CVL यानी CDSL Ventures Limited, जो CDSL की ही एक सब्सिडरी है, और वही आपको मेल कर रही है एज CVL KRA। तो आपकी KYC हो रखी या नहीं ये जानने के लिए आप इनमें से किसी भी KRA की वेबसाइट पर जाकर अपनी पैन डिटेल ऐड करके अपना KYC स्टेटस पता कर सकते हैं। और अगर अभी तक इन्वेस्टिंग ही शुरू नहीं करी है तो इंडिया के बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर का लिंक पिंड कमेंट में दे रहा हूँ। सिंगल अकाउंट से आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक, SGB, IPO और इवन स्मॉल केसेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।